हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, CBCS होता है और इसको किसने रिकमेंड किया था, नेशनल नॉलेज कमीशन और 11th 5-year plan ने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था और UGC ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम इसके जो मेन कोर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। CBCS के अंदर मेन कोर्स क्या होते हैं, देखो इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कोर कोर्स, सेकेंड है इलेक्टिव और थर्ड है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसको फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। कोर कोर्स कौन से होते हैं, कोर कोर्स के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जो सबके लिए कंपलसरी होते हैं, सबको करने होते हैं, कंपलसरी फॉर ऑल। और इलेक्टिव के अंदर कौन से कोर्स आते हैं, इसके अंदर वो कोर्स आते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारी रुचि के अनुसार हम उनको चूज करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, सेकेंड इज जेनरिक इलेक्टिव और थर्ड डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट। ये तीन टाइप के इलेक्टिव के अंदर कोर्स होते हैं। जो ये वाले होते हैं ना, डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, इसके अंदर कौन से कोर्स होते हैं, इसके अंदर वही कोर्स होते हैं जो अपने ही डिसिप्लिन में रहकर कोई अन्य कोर्स हम कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो हमने आर्ट को चूज किया है, तो आर्ट के अंदर ही हम कोई और कोर्स ले सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट हम इसमें चूज कर सकते हैं। जेनरिक या ओपन इलेक्टिव, इसमें क्या होता है, इसमें अपने सब्जेक्ट से परे या अपने डिसिप्लिन से परे, हमने आर्ट ले रखी है तो हम दूसरे डिसिप्लिन साइंस का कोई या अदर कोई कॉमर्स का कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से परे जाकर किसी दूसरे डिसिप्लिन का कोर्स हम कर सकते हैं जेनरिक या ओपन इलेक्टिव के अंदर। तीसरा इसका क्या है, डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम कुछ भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क अगर हम करना चाहें तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये था इलेक्टिव। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है फाउंडेशन या एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, इसमें क्या कार्य किया जाता है, इसमें बेसिक स्किल डेवलप करने के लिए कुछ कोर्स करवाए जाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के ये कोर्स होते हैं, कंपलसरी हो सकते हैं और स्किल इन्हांसमेंट होते हैं। कंपलसरी में आप इंग्लिश ले सकते हो, EVS पे आप काम कर सकते हो। स्किल इन्हांसमेंट में बेसिक वोकेशनल नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें मतलब स्किल को डेवलप किया जाता है, बच्चे की स्किल को डेवलप किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये तीन मेन कोर्स होते हैं। ये CBCS ने अपना जो कोर्स है, अपना जो कोर्स सिस्टम है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कोर कोर्स, सेकंड इज इलेक्टिव, थर्ड इज फाउंडेशन या एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स या फाउंडेशन कोर्स, ये बेसिक स्किल डेवलप करने के लिए करवाए जाते हैं। इलेक्टिव के अंदर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, डिसिप्लिन सेंट्रिक और जेनरिक इलेक्टिव और डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कोर्स होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।